हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से लाइक शेयर रिकमेंड कर दें। आज है ईद का दिन, सबको ईद मुबारक। और आज जो है हमारे बकरे जो उनसे तीनों के तीनों है ना, ये कुर्बान हो जाने हैं। और इन्हें नहलाया था कल। ये देखें, ये सबसे ज़्यादा वाइट है। ये ज़रा ना गंदा गंदा फीड हो गया, और ये भी ना सही साफ हो गया। इन सबको खोलते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना इन्हें कुर्बान कर देना है कि ना। यहाँ चेन से ही उतार देते हैं अभी। ये तो गया, ये जो है ना ये लड़ाइयाँ लेता है। ये देखिएगा, ये नहीं नहीं कंजड़ो था नू खोल तिने ना। ये लड़ रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या। ये देख, ये लो, हेलो हेलो। जोन सा ना इतने दिन वीडियो नहीं थी बनाई, टाइम नहीं था लग रहा। नहलाने भी थे, उस वजह से ना मैंने वीडियो शीडियो नहीं थी बनाई। कल नहलाए हैं, फिर नहीं टाइम लगा, तबीयत खराब होगी उस वजह से। ये जो उनसे है ना सारी जगह साफ करते हैं, ये वाले हिस्से में। यहाँ इन्हें ना तकबीर डालनी है, और ये सारी जगह साफ करते हैं। पंखा वगैरह लगना है, धोते हैं अगर धुपा वो तो भी वहाँ खाने लग गए हैं। और ये जगह सारी साफ करते हैं। आज जो उनसे ईद का तीसरा दिन है, और कुर्बान बकरे जो उनसे थे हमारे वो कुर्बान हो गए थे, और उनका जो उनसे था ना गोश्त वगैरह वो भी तकसीम कर दिया था। अब जो उनसे हमारे पास ये दो हैं भैंसों के बच्चे, उसके अलावा ये एक भैंस है, इसने भी बच्चा देना है। ये वाली अभी दूध दे रही है, और ये वाला जो उनसे ना बच्चा ये इस भैंस का है। बाकी जो उनसी हैं वो हमने सेल कर दी थी। और ये मुर्गे वगैरह तो सारे इधर हैं। बाकी ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा अंडे हो गए हैं। ये देखेंगे, अगर कोई क्रुक हुई ठीक है, अगर ना हुई तो फिर हम मशीन के अंदर रख देंगे। और एक और है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारी जो उनकी मग है ना, मग उसने अंडे दिए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और दिए कहाँ है वो नेक्स्ट व्लॉग में। और डक्स का ना वो वाला अब बैंसे तो अभी जो उनसे मैं आपको ना जो उनसा तकरीबन ना महीना हो गया, महीना नहीं दो हफ्ते हुए होंगे जो उनसे ना ये वाला डक्स के लिए ना पूल बनाने की मैं भी लगे करता था। थोड़ा सा उखाड़ा मैंने पहले ज़मीन को, पानी उसमें खड़ा किया, पानी खड़ा करके मिट्टी जब नरम हुई है ना, फिर मैंने हल्का हल्का ना पानी वही उसे खोदना शुरू किया, फिर मैं पानी डाल देता था। पहले जो सा ना इतना इतना किया था, इतना इतना ये जो सा एरिया ना जूती से इतना, ये वाला फिर बाद में बड़ा किया है। और ये जो सा लकड़ी का मैं घर से ले आया था, इसे या इधर सामने रखेंगे या ये वाली जगह पर रख के बाउंड्री इनकी जो सी कवर कर देंगे, और सारी डक्स इधर ही रहेंगी, उसके अंदर अंडे रहेंगी देंगे, जाले वगैरह लगा के एक हल्का सा रास्ता खुला रहने देंगे, बाकी छांव वगैरह भी कर देंगे। और इसके इर्द गिर्द जो है ना जाली लगा देंगे, जाली लगा के, और 24 घंटे जो है ना इसके अंदर ही रहेंगी, नहाएं खाएं पिएं ये सारा लेवल करके ना इधर ही रखेंगे। ये सीधा सीधा इनका गार्ड हो जाएगा इधर जो है। अब जो है अगली कुर्बानी है ना उसके लिए हमने वैड लेके आने हैं, खुद ही पालने हैं हमने। और इधर तो तोतों का बन जाना है ना घर ये वाले हिस्से में, और इधर जो उनसे तीन आराम से रह लेंगी। बैल जो उनसे है ना तीन लाने हैं वो, और ये मिट्टी वगैरह जो उनसे है लेवल करके यहाँ एक दो पौधा लगा देंगे। बाकी तो सारे पौधे ला के लगाने थे, वो नहीं लगाए, मौसम भी नहीं ठीक। जब मौसम ठीक होगा फिर देखेंगे, अगर सही रहे तो ठीक है, अगर ना रहे तो नहीं। और जो उनसे ना इंक्यूबेटर में से मैंने तीन जो उनसे बैंटम मुर्गी के अंडे थे ना वो मैंने तोड़े थे, तीनों के अंदर बच्चे बने थे, तीनों के तीनों बच्चे मार गए। और दो जो उनसे वो डक के बच्चे निकले हैं वो भी गाड़ हैं, एक वैंडम का वाइट निकला था वो भी गाड़ ही है। उसके अलावा मैं एक रैबिट्स भी लेके आया था, उसका व्लॉग बना रहा है, वो भी नहीं टाइम लगा। और दो जो उनसे हैं वो मर गए हैं, बाकी ये भी पांच थी ये वाली डक, ये भी तीन रह गई हैं। उसके अलावा
ये कजन के चूजे हैं वो इधर ही हैं, बाकी वो सील जोन से है ना हमारी बहन सौंक ना पड़ी हुई थी जुइयाँ, इन्होंने सारी की सारी खा दी हैं, अब कोई जुई नहीं है, सारी जुएँ खा गई हैं इनकी। ये बैंटम के जोन से थे ना चिक्स छोटे, एक ये है और एक इधर था, वो काफ़ी ना बड़ा बड़ा लग रहा था। या ये देखे एक के, बाकी ये बैठे हुए हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, आवाज तो आ रही है। ये ना काफी बड़ा हो गया, गया किधर है ये, तो एक है ना तो दूसरा किधर गया है? दूसरा मैं मेरे ख्याल से ना केज के नीचे है। बाकी जो है उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद है, अगर पसंद है लाइक शेयर कमेंट कर दे। अभी के लिए जयतला हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अपनी डोंसी मगराबिया कहते हैं, मगराबिया या जो भी उन्हें कहते हैं ना, उनके अंडे दिखाऊंगा, कहाँ दिए हैं और कब की दे रही है हमें पता ही नहीं है। बस आज जो है ना वो आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, और ये जो है ना अपनी आदतों से नहीं बाज आने लगी।